हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। तो स्टूडेंट्स, हम क्लास सिक्स का आप चैप्टर नंबर थ्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, तो फाइबर टू फैब्रिक ये क्लास सिक्स का साइंस का हमारा चैप्टर है। और स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंटेशन आपको मदद करेगा आपकी क्लास सिक्स की प्रिपरेशन में, जो क्लास सिक्स में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी, या दो वो स्टूडेंट्स जो बेसिक लेवल की साइंस समझना चाहते हैं, जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आपको पता है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी बुक रिकमेंड की जाती है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, वहाँ पर एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो साइंस का पूरा सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। क्लास सिक्स से लेकर के टेंथ तक की बेसिक लेवल की साइंस होती है, तो क्लास सिक्स से लेवल के टेंथ तक की जो बेसिक लेवल की साइंस है वो मैं पूरा आपका कंप्लीट कर रहा हूँ इसमें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर थ्री, जो कि है हमारा फाइबर टू फैब्रिक। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, ये आपको हर उस एग्ज़ाम में मदद करेगा जहाँ भी आप बेसिक लेवल की साइंस प्रिपेयर कर रहे हैं, और ख़ास करके स्पेशली क्लास सिक्स के बच्चों को तो मदद करेगा ये। ठीक है, ये उन्हीं के लिए स्पेशली बनाया है मैंने, और इस लेवल से बना दिया है कि इसको कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी समझ सकता है। तो इसके अलावा फिर आपको कोई भी चीज़ ढूंढने की ज़रूरत यहाँ वहाँ नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा यहाँ डिटेल में सब कुछ समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर थ्री, जो कि हमारा है फाइबर टू फैब्रिक। अब देखिए, यहाँ पर जो है ऐसी कहानी से बताया गया है कि क्विज हुआ था, कंपटीशन हुआ उनके स्कूल में, तो फिर जो भी मतलब प्राइज मनी मिली उससे बच्चे जो है पहेली और वो क्या करना चाह रहे हैं, कपड़े खरीदना चाह रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए। जब वो गए, बहुत सारे उन्हें वैरायटी ऑफ क्लोथ्स देखे, वो कंफ्यूज हो गए। तो शॉपकीपर ने उनसे कहा कुछ कॉटन है, कुछ सिंथेटिक है, उनको बताया उसने, उन्होंने वुलन मफलर्स भी हैं, शॉल्स भी हैं, सब उसने बताया दुकानदार ने उनको कि भाई आपको क्या ख़रीदना है, और सिल्क साड़ीज भी हैं। और पहले और भोजो बहुत एक्साइटेड थे, तो उन्होंने मतलब उसको छू के पकड़ के समझने की कोशिश की सारे फैब्रिक्स को, और फिर फाइनली उन्होंने क्या ख़रीद लिया, वूलन मफलर ख़रीद लिया और एक कॉटन साड़ी खरीदी। ठीक है, तो क्या ख़रीदा, वूलन मफलर ख़रीदा और कॉटन साड़ी खरीदी। ठीक है, तो वूलन मफलर और कॉटन साड़ी इन्होंने ख़रीदी। फिर क्लोथ शॉप से विज़िट करने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि बहुत से मतलब तरह तरह के देखो फैब्रिक्स होते हैं, और उन्होंने चारों तरफ देखा, जैसे उन्होंने देखा कि भाई बेडशीट है, ब्लैंकेट्स हैं, और ये सारी चीज़ देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया क्लोथ शॉप। तो क्लोथ शॉप में आप क्या देखते हैं कि भाई तरह तरह के कपड़े होते हैं, तरह के चादर कंबल जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप देखेंगे सारी चीज़ें जितने भी कपड़े लगते सब बने होते हैं, सब अलग अलग तरह के फैब्रिक से बने होते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये समझना है कि भाई देख रहे हैं कि भाई हम घर में बेडशीट यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं, कर्टेंस यूज़ करते हैं, पर्दे यूज़ करते हैं, टेबल क्लॉथ यूज़ करते हैं, टॉवल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा अलग अलग तरह के फैब्रिक से बने होते हैं सारे कपड़े, आपने ये ध्यान दिया होगा अलग अलग तरीके, जैसे देखिए पर्दे का कपड़ा अलग होता है, कम्बल का कपड़ा अलग होता है, टेबल क्लॉथ का कपड़ा अलग होता है, सब अलग अलग होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारा स्कूल बैग होता है, गनी बैग्स होते हैं, तो सब देखिए अलग अलग तरीके से चीज़ों से बने होते हैं, अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये बताई जा रही है आपको कि देखिए अलग अलग तरह के फैब्रिक्स का यूज़ होता है, और अलग अलग तरह के फैब्रिक्स से अलग अलग तरह के कपड़े बनते हैं। ठीक है, और फिर मतलब उन्होंने मतलब कोशिश की, जैसे आप भी यहाँ भी देख सकते हैं कि भाई देखिए आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, पहचानने की कोशिश करिए कि कौन सा कपड़ा किस तरीके के फैब्रिक से, कौन सा फैब्रिक किससे बना है, कौन सा कॉटन है, कौन सा वूल है, कौन सा सिल्क है, कौन सा सिंथेटिक है, ये सब करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भाई हम देखते हैं कि भाई हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारे घर में, आस पड़ोस में, यहाँ वहाँ हम तरह तरह के फैब्रिक्स को देखते हैं, तो अलग अलग तरह के फाइबर से वो बने होते हैं, कोई कॉटन से बना होता है, कोई वूल से बना होता है, कोई सिल्क से बना होता है, कोई सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो ये है फाइबर टू फैब्रिक, मतलब फाइबर है फिर उससे फैब्रिक बना है, तो पहले एक फाइबर होता है फिर उस फाइबर से फैब्रिक बनता है। ठीक है,
तो अब 3.1 में बताया जा रहा है वैरायटी इन फैब्रिक्स, कितनी वैरायटी होती है फैब्रिक्स में। अब यहाँ पे देखिए फिगर 3.2 में दिखाया गया एनलार्ज्ड व्यू ऑफ अ पीस ऑफ फैब्रिक। ये एक पीस ऑफ फैब्रिक को एनलार्ज करके बड़ा करके आपको दिखाया गया है। कपड़े को आप जब महीन उसका देखेंगे तो इसी तरह से उसका ताना बाना पूरा बना होता है, मतलब कपड़ा जो इस तरह से बुना होता है आपस में आप देखेंगे। जैसे देखिए घर में स्वेटर बुनते हैं लोग, टोपी बुनते हैं, गुराबे उनके बनता है ना, वो कैसे आपने देखा होगा, घर में भी देखा होगा ये दो चीज़ें आपने, तो आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए एक्टिविटी वन में यही बताया जा रहा है कि किस तरह से फैब्रिक्स बने होते हैं। अब आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि भाई जैसे मान लीजिए टेलर शॉप जाते हैं, तरह तरह के कपड़े आप देखते हैं वहाँ पे कटे कटे पड़े रहते हैं, उनको आप देख सकते हैं कि कैसे होते हैं वो, अलग अलग तरह के फैब्रिक्स होते हैं वो, ठीक है। तो कोई कॉटन होगा, कोई सिल्क होगा, कोई वूल होगा, कोई सिंथेटिक होगा, तो आप टेलर से पूछ के उसमें बना सकते हैं। ये एक मतलब आपकी एक्टिविटी है कि आप टेलर शॉप पर जाके वहाँ से कॉटन के जो मतलब कपड़े के जो छोटे छोटे टुकड़े पड़े होते हैं उन टुकड़ों को उठा के देखिए समझिए, और टेलर से ही पूछ के या घर में अपने पूछ के आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई कौन सा कपड़ा क्या है। तो आप इसमें काट के एक्टिविटी कर सकते हैं। क्या एक्टिविटी कर सकते हैं आप कि भाई इसको काट के अपने कॉपी में आप चिपका सकते हैं और सबका नाम लिखिए कि हाँ भाई ये कपड़ा कॉटन है, ये कपड़ा सिल्क है, ये कपड़ा वूल है, ये कपड़ा सिंथेटिक फाइबर है, तो आप उसको बना सकते हैं। ये एक एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो इधर उधर मत जाइएगा, आप घर में जो भी करना है करिए। तो मैं इसलिए आपको कोई भी एक्टिविटी ऐसी सजेस्ट नहीं करूँगा, आप घर में जो कर सकते हैं करिए, बस पहचानिए कि कौन सा। देखिए घर में अलग अलग कपड़े होते हैं ना, तो आप पहचानिए कौन सा कपड़ा कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वूल है, कौन सा सिंथेटिक है, कौन सा नेचुरल फाइबर है, कौन सा सिंथेटिक फाइबर, ये सारी चीज़ें आप समझिए, ठीक है। अब फिर देखिए एक्टिविटी टू में कह रहा है कि एक मतलब आपको क्या करना है, पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक लेना है, ठीक है, कॉटन आपको लेना है, और उसमें से आपको एक कपड़े में से एक पतला सा धागा निकालना है जिसको हम यान बोलते हैं या थ्रेड बोलते हैं, और फिर उसको खींचना है, हमें खींच के निकालना है, अलग अलग करना है इसको, उसके कोने से उसको अलग अलग करना है। तो आप देखेंगे कि जो कपड़ा होता है वो पतले पतले धागों से बना होता है, ठीक है। जब ध्यान से आप चाहे कोई भी कपड़ा आप देख लीजिए, चाहे बनियान हो, चाहे स्वेटर हो, चाहे शर्ट हो, चाहे आपके हाफ पैंट होते हैं, शर्ट हो, कुछ भी हो, मतलब लोअर हो, आप जब बहुत ध्यान से देखेंगे उसमें सबसे जो छोटा सा पीस होगा उसका, उसमें जब आप देखने की कोशिश करेंगे आप देखेंगे बहुत पतले पतले धागों से बना होता है, बिन के बना होता है वो, तो आप देखेंगे वो थ्रेड से या यान से बना होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर ये समझने की बात है कि कपड़ा किससे बना, एक तरह से थ्रेड से या यान से बना होता है, ठीक है। फिर उसको हम फर्दर अलग अलग कर सकते हैं, तो सबसे लास्ट में हमें क्या मिलेगा, जब अलग करते रहेंगे, अलग करते हैं कपड़े को, अलग अलग करते रहेंगे, तो लास्ट में क्या बनेगा, फाइबर मिलेगा हमें, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम फैब्रिक, एक फैब्रिक से एक पतला सा धागा निकाल रहे हैं, मतलब एक कपड़े से एक पतला सा धागा निकाल रहे हैं आप, तो वो क्या है, थ्रेड है वो धागा, मतलब यहाँ पे क्या है, थ्रेड। तो एक थ्रेड से निकल, मतलब बहुत सारे थ्रेड से मिलके एक पूरा फैब्रिक तैयार होता है, आपने देख लिया ना। तो आपने ये समझने की कोशिश करनी है, बहुत सारे थ्रेड्स मिलके एक कपड़ा तैयार करते हैं, कैसे, मान लीजिए कुछ को ऐसे ऐसे रखा गया है, ठीक, और फिर कुछ को ऐसे ऐसे रखा गया है, तो इस तरह से मिलके हमारा क्या बन जाता है, पूरा ये कपड़ा तैयार होता है। देखो कपड़ा तैयार हो गया ना, देखो मैंने आपको बना के भी दिखा दिया, देखिए बहुत सारे थ्रेड्स ऐसे ऐसे जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, अब ये पूरा एक पीस ऑफ फैब्रिक तैयार हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें हम किसी एक को, जैसे मान लो इसको पकड़ के खींच लें, या मान लो इसको पकड़ के खींच लें, या मान लो हम इसको पकड़ के खींच लें, या मान लो हम इसको पकड़े, किसी एक को पकड़ के खींच सकते हैं ना, तो ये क्या है, थ्रेड है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि जो भी कपड़ा होता है देखिए वो थ्रेड से बना होता है या यान से बना होता है, ठीक है। तो ये इसमें समझने की चीज़ थी कि कोई भी कपड़ा जो है, कोई भी फैब्रिक, कपड़ा मतलब फैब्रिक, कोई भी कपड़ा या कोई भी फैब्रिक थ्रेड से या यान से बना होता है। तो हमें क्या पाया, फैब्रिक किससे बना होता है, यान से। देखिए यहाँ पे दिया ना, वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यान अरेंज टुगेदर, तो बहुत सारे यान्स को हम एक साथ अरेंज करके हम क्या बना लेते हैं, फैब्रिक बना लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे यान्स को हम एक साथ करके क्या बना लेते हैं, फैब्रिक बना लेते हैं। तो ये आपके समझने की बात यहाँ पे मिली एक, कि वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यान्स अरेंज टुगेदर, हम ये पाते हैं कि एक जो फैब्रिक होता है वो किससे बना होता है, बहुत सारे यान्स के जुड़ने से बना होता है या बहुत सारे थ्रेड के जुड़ने से बना होता है। तो चलिए देखिए, हमने शुरू में चैप्टर में क्या लिखा था, क्या लिखा था,
फाइबर टू फैब्रिक है ना, क्या लिखा था हमने, फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है। तो फाइबर टू फैब्रिक हमने लिखा था, और फाइबर टू फैब्रिक मतलब फाइबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम फैब्रिक तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट किससे करते हैं, फाइबर से, और पहुंचते कहां तक हैं, फैब्रिक तक, यानी कि हमारे पास शुरू में सिर्फ फाइबर होता है। फाइबर क्या, जैसे रुई, कॉटन, या भेड़ का ऊन, या भेड़ू का ऊन, किसी का भी ऊन, ठीक है, तो वो होता है। तो उससे हम क्या बना लेते हैं, एक फैब्रिक बना लेते हैं, ठीक है ना, फैब्रिक बना लेते हैं हम, मतलब एक कपड़ा बना लिया हमने, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है कि हम फाइबर से क्या बनाते हैं, फैब्रिक। तो फाइबर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि रुई से तैयार करते हैं, और फिर रुई से क्या बना लेते हैं हम, सिंपल टर्म्स में आप इसको ये भी कह सकते हैं कि फाइबर से फैब्रिक तक जाता है, ठीक है। तो अब हमें जानना है कि भाई फाइबर क्या होता है, जो मैंने आपको बताया ना, फाइबर क्या होता है, फाइबर वो चीज़ है जो कि सबसे बेसिक चीज़ है जिससे कि कपड़ा तैयार होता है, कपड़े से पहले धागा तैयार होता है, ठीक है। तो कॉटन फैब्रिक से हम एक यार्न निकालेंगे, यानी कि एक छोटा सा पतला सा धागा निकालेंगे, टेबल पे उसको रखेंगे हम, और उसके एक एंड को, यानी कि एक सिरे को उसको हम दबाएंगे थंब से, और फिर हम क्या देखेंगे कि उस यार्न को हम बहुत सारे और भी पतले पतले स्टैंड्स में अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक धागा है, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास एक धागा है, तो ये एक धागा है, तो इस धागे में से हम क्या करेंगे, एक पतला सा एक और स्टैंड निकाल सकते हैं, एक दो, यानी कि एक धागा भी किससे मिलके बना है, किसी पतले पतले स्टैंड से मिलके बना है, पतले पतले स्टैंड से मिलके बना है एक धागा, तो यानी कि एक धागा जो है बहुत सारे पतले पतले स्टैंड से मिलके बनता है, ठीक, थिन स्टैंड्स, यानी कि स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थिन स्टैंड्स, ये आप करके देख सकते हैं। कोई भी पतला सा धागा लीजिए, फिर इसको और ज़्यादा खोलने की कोशिश कीजिए, आप खोलेंगे तो बहुत पतले पतले उसमें और धागे निकलते हैं, यानी कि एक धागा बहुत सारे पतले पतले धागों से मिलके बना होता है, थिन स्ट्रैंड्स में उसको हम अलग कर देते हैं, यानी कि एक यार्न जो होता है उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं इनटू थिन स्ट्रैंड्स, एक यार्न को हम फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं बहुत सारे पतले पतले स्ट्रैंड्स में, पतले पतले स्ट्रैंड मतलब पतले पतले और धागे, ठीक है। यानी कि एक जो धागा है वो पतले पतले बहुत सारे धागों से बना है, और वो पतले पतले बहुत सारे धागे किससे बने हैं, वो बना है फाइबर से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक समझने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपकी देर से समझा रहा था वो ये थी कि भाई देखिए, जो थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड होते हैं दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर, तो लास्ट में हमने देखा कि वो किससे बना होता है, फाइबर से, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि फाइबर से क्या बनते हैं, पतले पतले थिन स्ट्रैंड्स बनते हैं, और फिर उन्हीं थिन स्ट्रैंड से क्या बनता है, एक हमारा थ्रेड बनता है, यानी कि एक धागा बनता है। जैसे मैंने आपको पहले समझाया था ना, पहले हमारे पास मान लो कॉटन है, ये फाइबर है, इससे बहुत पतले पतले पहले स्ट्रैंड्स बनेंगे, फिर उन स्ट्रैंड से एक अच्छा सा थ्रेड बन जाएगा, ठीक है। तो फाइबर, फाइबर से थिन स्ट्रैंड्स, और फिर थिन स्ट्रैंड से थ्रेड बन जाएगा, थ्रेड मतलब धागा। तो आपने ये देखा कि जो थिन स्टैंड्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, ये जो थिन स्टैंड्स हैं ये किससे बने हैं, फाइबर से। फाइबर मतलब कि जो भी रेशा होता है, जैसे कि कॉटन हो गया, वूल हो गया, तो फाइबर से ये सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो यानी कि फाइबर स्टैंड्स को बनाता है, फिर स्टैंड से धागे बनते हैं, और फिर धागे से, याद रखिएगा, फाइबर सबसे पहले आएगा, फिर स्टैंड्स, फिर थ्रेड, फिर फैब्रिक, ये इसका सीक्वेंस होता है, ठीक है। बोल रहा है कि फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न्स, फैब्रिक किससे बना होता है स्टूडेंट्स, तो फैब्रिक बना होता है यार्न से, एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, यानी कि सबसे नीचे कौन है, फाइबर, भाई जो फैब्रिक है मतलब कपड़ा, कपड़ा किससे बना है, धागे से बना है, धागा किससे बना है, फाइबर से बना है,
मैंने आपको बताया ना सबसे नीचे कौन है, फाइबर, फाइबर के ऊपर कौन है यान, यान के ऊपर कौन है फैब्रिक, ठीक है। तो सबसे नीचे फाइबर है, फाइबर, फाइबर से यान, फिर यान से फैब्रिक, फैब्रिक मतलब कपड़ा। तो इस तरह से ये हमारा चलता है सीक्वेंस, कैसे मतलब कपड़ा बनता है। तो सबसे पहले आपको पता है जैसे कॉटन मान लो ले लिया हमने, तो कॉटन फाइबर है, फिर कॉटन फाइबर से बहुत सारे उसके थ्रेड्स बनेंगे, और फिर बहुत सारे थ्रेड से एक पीस ऑफ फैब्रिक बन जाएगा, एक पीस ऑफ कपड़ा बन जाएगा। तो ये हमने देखा कि किस तरह से फाइबर से फैब्रिक तैयार होता है, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज़ फाइबर है, फिर फाइबर से फैब्रिक बनता है। देखिए द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत अच्छी चीज़ यहाँ समझने की ये है, क्या चीज़, कि जितने भी मतलब फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, जैसे कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वूल है, ये सब या तो हमें प्लांट से मिलते हैं या तो हमें एनिमल से होते हैं। यानी कि आपने ये देखा कि जितने भी फाइबर्स हैं उसके दो ओरिजिन यहाँ पे दिख रहे हैं, या तो प्लांट्स या तो एनिमल। तो हम दो चीज़ यहाँ कह सकते हैं कि जो फाइबर्स होते हैं वो हमें मेनली या तो प्लांट से मिलते हैं और या तो एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जितने भी फाइबर्स होते हैं या तो हमें प्लांट से मिलते हैं या तो हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक। जैसे कॉटन और जूट, ये दोनों प्लांट से मिलते हैं, सिल्क और वूल ये दोनों हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है, याद रखना। कॉटन और जूट प्लांट से मिलते हैं, सिल्क और वूल एनिमल से मिलते हैं। तो जो चीज़ें नेचर से मिलती हैं जैसे प्लांट से, एनिमल से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर। यानी कि ऐसे फाइबर जो नेचर से मिलते हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल फाइबर। तो ऐसे फाइबर्स जो हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल फाइबर। जैसे कॉटन एंड जूट हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। वूल और सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, ठीक है। तो वूल और सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। वूल कहाँ से मिलता है, फ्लीस ऑफ शीप या गोट। आपको पता है वूल कहाँ से मिलता है, फ्लीस ऑफ शीप या गोट। जो वूल होता है वो हमें भेड़ से या बकरी से मिलता है, या तो हमें रैबिट से भी मिल सकता है, याक से भी मिल सकता है, कैमल से भी मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि देखिए जो वूल है वो मेनली हमें फ्लीस ऑफ शीप या गोट से मिल जाता है, या तो हेयर ऑफ रैबिट्स, याक, कैमल, इन सब से भी हमें वूल मिलता है, ठीक है। हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल, इन सब से भी हमें मिल जाता है, या तो शीप और गोट तो है ही है, रैबिट भी है, याक भी है, कैमल्स भी है, ठीक है। और सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। तो सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स, तो ये मिलता है हमें कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म मतलब रेशम का कीड़ा, एक रेशम का कीड़ा होता है उससे हमें ये सिल्क मिलता है, सिल्क मतलब रेशम। तो सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है हमें, फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म, ये हमें रेशम के कीड़े के कुकून से मिलता है। कुकून मतलब उसकी एक आउटर कवरिंग होती है बॉडी की, उसी से मिलता है। तो कुकून क्या होता है, सिल्क वॉर्म की, रेशम के कीड़े की आउटर कवरिंग होती है, उसी से मिलता है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि बहुत सालों तक मतलब जो होता है नेचुरल फाइबर, जो मतलब वही था एक मतलब जहाँ से हम बनाते थे फैब्रिक, लेकिन अब क्या हुआ है, मैन मेड केमिकल से भी कुछ फाइबर्स बनने लगे हैं। पिछले 100 सालों में कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जो केमिकल से बनते हैं, फैक्ट्रीज में बन जाते हैं, तो नेचुरल फाइबर के ऊपर हमें ज़्यादा डिपेंड नहीं होना पड़ता। तो बहुत सारे फाइबर्स ऐसे आ गए हैं जो केमिकली बनते हैं, जो कारखानों में होते हैं, ठीक है, ऐसे फाइबर्स भी आ गए। तो स्टूडेंट्स ये हमने जाना कि हमारे पास अब मतलब नया तरह का फाइबर भी आ गया जो मतलब नेचुरल नहीं है, जो मतलब केमिकल से बनता है, ठीक है। तो इसके बारे में स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पेज में जो सिंथेटिक फाइबर है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं, एक एक लाइन, एक एक शब्द पूरा अच्छे से समझिए, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं उनको सॉल्व कीजिए आप, ठीक है। लास्ट में देखिए समरी दी होती है, समरी पढ़िए आप, ये समरी पूरी पढ़िए आप, फिर क्वेश्चन आंसर्स इनको आप सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए इसमें 6 ही क्वेश्चन हैं, इनको पूरा अच्छे से पढ़िए, पूरा अच्छे से सॉल्व करिए, जो नहीं समझ में आए पूछिए, और पूरा एक एक लाइन पढ़ना है, एक एक ये समरी पूरा पढ़ना है,
एक एक चीज़ पूरा समझना है, अच्छे से लिखना है, पढ़ना है, याद करना है, जो भी नहीं समझ में आया पूछना है, और बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है अब, तो इसके बाद हम ये बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे पेज नंबर 20 से। ठीक है, तो हमने आज दो पेज डिस्कस किए हैं, ये दो पेज इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए, जो नहीं समझ में आए पूछिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।